मुंबई मीरा रोड का वोकार अस्पताल कोरोना महामारी से लड़ने के साथ साथ नॉन कोविड रोगियों का भी इलाज करने के लिए अग्रसर है। इसीलिए हमने हाल ही में अस्पताल द्वारा सुरक्षा उपायों, स्वच्छता और अस्पताल में बरती जाने वाली सावधानियों की जांच करने के लिए अस्पताल का दौरा किया। हमें स्वीकार करना चाहिए कि अस्पताल के कोरोना वायरस ने कोरोना के हर पहलू के साथ साथ गैर कोरोना मरीजों की सुरक्षा और उपचार पर नजर रखी है। हमने कोरोना वार्ड का दौरा करने की भी कोशिश की, लेकिन हमें स्पष्ट संक्रमण नियंत्रण दिशा निर्देशों के कारण अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई। हम स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और उनके डॉक्टरों द्वारा दिए गए स्वास्थ्य आधारित उपचार से बहुत प्रभावित थे। हमने अस्पताल के डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, देखिए उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा। अगर सिर्फ वोखाड़ की बात करें तो 80% लोग या 90% लोग तो ठीक होके गए हैं। कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो ऑलरेडी इतने कॉम्प्लिकेशन स्टेट में रहते हैं, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है ट्रीटमेंट में, क्योंकि उसके अलावा जो कुछ और चीज़ें, जैसे किसी को डायबिटीज़ रहता है या ब्लड प्रेशर रहता है या दूसरी चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, कोई पेशेंट स्टीरॉइड की दवाइयां काफ़ी टाइम तक लेते रहते हैं या कोई दूसरी चीज़ें होती है, तो ये जो ऑलरेडी जो चीज़ें पेशेंट में होती है, जो हम उसको रिस्क फैक्टर कहते हैं, उन पेशेंट को थोड़ा सा और तकलीफ़ होती है बाहर आने में या थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं उनमें रिकवरी के लिए। सर, अभी एक इंग्लिश में दो सवाल लेते हैं। बिलिंग प्रोटोकॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उसको फॉलो किया जा रहा है? जी, तो जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने हमेशा ये इंश्योर किया है कि हम लोग डे टू डे, चाहे चेंज भी होता रहे, हम लोग MBMC और मैं कमिश्नर साहब, MBMC के कमिश्नर और पूरी टीम का ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बहुत ही सजग हैं इस मामले में, कि वो सब हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व रखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमें पूरी तरह इन्फॉर्म्ड रखा जाता है और हम उनको भी पूरे कॉन्फिडेंस में रखते हुए सारा बिलिंग प्रोसेस करते हैं। एक और अच्छी बात जो MBMC ने की है वो ये है कि हमारे हॉस्पिटल का, अगर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हॉस्पिटल का बता सकता हूँ, शायद बाकी हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हो रहा है, डेली ऑडिट होता है बिल्स का, वो MBMC का ये मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी प्लस माइनस नहीं हो बिलिंग में। और ये मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हम शुरू से लेके अभी तक उन मापदंडों पे, उन गाइडलाइंस पे खरे उतरे हैं। हमारे बिल्स लगातार ऑडिट होते हैं, MBMC के अथॉरिटीज़, उनके इंस्पेक्टर्स, उनके ऑडिटर्स हमारे बिल्स रोज चेक करते हैं और मुझे ये कहने में खुशी है कि अभी तक हमारे कोई भी ऐसा नॉन कंप्लायंस हमारे बिल में सामने नहीं आया है। तो हम लोग उनके भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं एंड हम लोगों को काफ़ी सीक पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये सबसे बड़ा टर्शरी केयर सेंटर है मीरा रोड का, इसीलिए बहुत सारे सिक पेशेंट्स यहाँ पे रेफ़र होते हैं, दूसरे आउट हॉस्पिटल से भी यहाँ पे रेफ़र होते हैं। तो हम लोग काफ़ी ऐसे सिक पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे इमरजेंसी में एक प्रोटोकॉल है जिसमें पेशेंट की कंडीशन देख के, उनके साइंस एंड सिम्टम की हिसाब से उनका ग्रेडिंग होता है, और जो ज़्यादा सिक पेशेंट होता है उनको हम लोग ICU में लेते हैं और कम सिक पेशेंट होते हैं वो वार्ड में जाते हैं। जो ज़्यादा सिक पेशेंट होते हैं उनको मल्टीपल ऑर्गन का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक उनका लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके किडनीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, उनके हार्ट पे भी असर हो सकता है। तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ऐसे सिक पेशेंट्स ICU में होते हैं एंड उनको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे पेशेंट्स को बाहर से, जिसको NIV बोलते हैं या BiPAP बोलते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास एक हाई फ्लो नेजल कैनुला करके इक्विपमेंट है, HFNC जिसको बोलते हैं, जो कि मीरा रोड में शायद हमारे ही हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उससे भी हम लोगों को काफ़ी पेशेंट मैनेज करना पड़ता है। रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें पता चला है कि मदर टू बेबी में वायरस आ सकता है बिफोर डिलीवरी, अदरवाइज मेजर ट्रांसमिशन जो है वो आफ्टर बर्थ ही हो पाता है। सो ऐसे पेशेंट में रिस्क है, पर ऐसा नहीं है कि मदर को अगर कोविड डिजीज़ है या मदर को कोविड के सिम्टम है या मदर उस वजह से, किसी वजह से वो ICU में भी है, तो वो बेबी के लिए डेथ सेंटेंस नहीं बन जाता। जैसे मैं कहूँ कि एक हमारे पास अभी पेशेंट है जिसमें मदर को कोविड डिजीज़ था, मदर वॉज एक्टिवली सिम्टोमेटिक,
मतलब मदर को काफ़ी ख़राब डिजीज़ था, बेबी डिलीवर हुआ बिकॉज मदर प्रेगनेंसी और कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि डिजीज़ की प्रॉब्लम की वजह से। बेबी सिर्फ 25 वीक्स पे 700 ग्राम्स का डिलीवर हुआ, जो बेबी ऑलमोस्ट अभी महीने से हमारे साथ है और बेबी ऑलमोस्ट अब कम्प्लीटली फीड पे है और वो वेंटिलेटर से बाहर आ रहा है। सो ऐसा नहीं है कि जिन मदर को कोविड है अगर वो बेबी उनका डिलीवर होता है तो उनके कोविड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है या उन बेबीज़ को डिजीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा है, अगर डिजीज़ होता भी है तो उनको हम बचा नहीं सकते। सो उनके लिए भी उतना ही फाइटिंग चांस है और हम उस सब के लिए बहुत अच्छे से इक्विप्ड हैं। जब ज़्यादा करके जब ऐसा कोरोना पॉजिटिव हुआ है करके सोचकर ही पेशेंट्स बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, जो हम लोग उनसे बात करते हैं, उनको कंसोल करते हैं कि हो जाएगा ठीक, आप डरो मत। और पेशेंट्स का भी कैटेगरी अलग है, जो सीरियस है, जो नॉर्मल है, जो वार्ड में रहते हैं, उनका टैंट्रम्स रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं इसके। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रौनक वर्मा। वेरी रिसेंटली आई वाज डिटेक्टेड एज अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट एंड आई गॉट माय सेल्फ एडमिटेड टू वॉकहार्ट हॉस्पिटल। इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर टू टेल यू दैट ईच एंड एवरी स्टाफ एट वॉकहार्ट हॉस्पिटल हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव। They have helped me in recouping this pandemic as a whole. They have been taking care of us like anything. They have done a tremendous job. And one of the most important thing which actually I noticed was that there was no discrimination. They knew that they are putting themselves in danger, but they kept on doing their work as if it was a totally selfless act which they have done. So I sincerely thank each and everyone at Wockhardt for helping me out and wish you all the best.